हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इग्नू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खुशखबरी है कि इग्नू के जो असाइनमेंट्स हैं वो सबमिट होने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर नया नोटिस आ चुका है दिल्ली की तरफ से, तो इसमें सेंटर्स की लिस्ट दी गई है और असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है वो बताया गया है। तो सभी सेंटर्स का अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग तरीके से असाइनमेंट जमा हो रहे हैं। किसी का तो ईमेल के द्वारा है, किसी का गूगल फॉर्म के द्वारा, या फिर किसी किसी सेंटर में ऑफलाइन यानी कि हार्ड कॉपी आपको लिख कर जमा करवानी है। तो जिनका ऑनलाइन जमा होना है वो किस तरह से आपको पीडीएफ फाइल्स अपलोड करनी है गूगल फॉर्म या ऑनलाइन लिंक के द्वारा, वो आज हम आपको भरना सिखाएंगे। और साथ ही किन स्टूडेंट्स की ऑफलाइन जो असाइनमेंट्स हैं वो जमा होंगे और कैसे जमा होंगे वो भी आपको बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ और असाइनमेंट्स की नई अपडेट्स आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो यहाँ पर सेंटर्स की लिस्ट है, आप देख सकते हैं, साथ ही उसका एड्रेस दिया हुआ है और उनका जो जमा करने का तरीका क्या है वो दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो सेंटर्स की लिस्ट में शुरुआत में सेंटर का कोड है, सेंटर का नाम और उसके बाद एड्रेस एंड कब कब असाइनमेंट उसमें जमा होएगा। तो इस सेंटर में यहाँ पर देख सकते हैं आप, हार्ड कॉपी जमा करनी है आपको मंडे टू फ्राइडे 11 AM से 4 PM तक। तो इस तरह से आपके जो स्टडी सेंटर हैं वहाँ पर जाके आप अपने असाइनमेंट की हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं। साथ ही जिन स्टूडेंट्स की गूगल फॉर्म के द्वारा ऑनलाइन जमा होने असाइनमेंट, उनकी भी डिटेल आज आपको फुल बताई जाएगी। हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच सके। तो ये सभी सेंटर्स की लिस्ट है जिसकी पीडीएफ भी मैं नीचे आपको दे दूंगा, एक लिंक होगा उस पर आप क्लिक करके ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्टडी सेंटर को सर्च करके अपना जो फॉर्म है या अपना स्टेटस है अभी किस तरह से ये असाइनमेंट जमा करने हैं वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने है पीडीएफ फाइल के रूप में, तो उसे डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिएगा और डाउनलोड कर लीजिए। अब हम आप का बताते हैं कि ये गूगल फॉर्म के द्वारा आपको किस तरह से सबमिट करना है। तो आप अपने स्टडी सेंटर के सामने दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे, अगर ऑनलाइन सबमिट होने हैं आपके, अगर हार्ड कॉपी होनी है तो आप हार्ड कॉपी जमा करेंगे, और अगर गूगल फॉर्म के द्वारा ऑनलाइन सबमिट होना है तो वो आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। तो लास्ट डेट के बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वारी आती है, तो लास्ट डेट जो रहेगी फ़िलहाल तो 30 सितंबर तक है, और जैसे ही 30 सितंबर क्रॉस होगी उसके बाद ये 15 अक्टूबर और फिर 30 अक्टूबर तक आप असाइनमेंट जमा कर पाएंगे। तो 30 अक्टूबर तक एक्सटेंड हर साल होती है, तो इस बार भी आप 30 अक्टूबर तक ही असाइनमेंट्स सबमिट कर पाएंगे। तो अभी नोटिस जो आया है फ़िलहाल 15 सितंबर तक आपको जमा करने हैं अपने असाइनमेंट। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन कम्प्लीट दी गई है कि क्या क्या रहेगा। तो साफ से शब्दों में आपको बता दूँ कि इग्नू का जो आपके स्टडी सेंटर का सिस्टम रहेगा, आप अगर इस नोटिस में आपको आपका जो सेंटर है वो मिल जाता है फिर तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर आपको इसमें नहीं मिलता है पीडीएफ में तो आप अपने स्टडी सेंटर से वहाँ पर जाके या फिर अपने लोकल किसी फोटोस्टेट शॉप वाले से बात कर सकते हैं कि अपने सेंटर में असाइनमेंट किस तरह से सबमिट हो रहे हैं। तो सिंपल सा, अगर ऑनलाइन जमा होने हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शन ये रहेंगी कि शुरुआत में आपको गूगल फॉर्म लिंक पे क्लिक करना है और फिर ये इंस्ट्रक्शन पढ़नी है, और एक असाइनमेंट के लिए एक गूगल फॉर्म फिलअप करना होगा। आप एक बार में दो पीडीएफ फाइल सेलेक्ट नहीं कर सकते, ना कि दो असाइनमेंट्स आप जमा कर सकते हैं। तो आपको एक ही तरीके से असाइनमेंट जमा करना होता है। अगर आपका ऑनलाइन सबमिट हो गया है तो आपको ऑफलाइन जमा नहीं करना है। अगर आपने गूगल फॉर्म में असाइनमेंट अपना डाल दिया है, सबमिट कर दिया है, तो आप ईमेल के द्वारा वहाँ पर रीजनल सेंटर को ईमेल नहीं करेंगे तो आपका जो असाइनमेंट रहेगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो असाइनमेंट की जो पीडीएफ फाइल आप बनाएंगे उसमें शुरुआत में आप अपना आईडी कार्ड जमा करिए, यानी कि आईडी कार्ड लगाइए, उसके बाद अपना कवर पेज जो रहेगा, यहाँ पर मैं आपको कवर पेज भी दिखा दूँगा। और वैसे अगर आप गूगल से भी डाउनलोड करके कवर पेज फिलअप करके इसमें अटैच करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जो फाइल का नाम रहेगा वो इस तरह से रहेगा, जैसे MS01 आपका कोड का नाम रहेगा, और तो इनरोलमेंट नंबर आपको पहले लिखना है, फिर
अंडरस्कोर और फिर अपना कोड का नाम, इस तरह से फाइल का नाम आप बना लेंगे और फिर आप इस गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो यहाँ से हमारा जो गूगल फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाता है। शुरुआत में आपको अपनी ईमेल आईडी, जो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी है, वो फिलअप कर देनी है। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी ईमेल आईडी फिलअप कर देंगे और ये आपका जो सेकंड पेज रहेगा, शुरुआत में आपको आईडी कार्ड डालना है और उसके बाद आपका ये सेकंड पेज, जो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके सेव एज इमेज, और इस तरह से आपका ये पेज सेव हो जाएगा और इसे आप प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। किसी भी कैफ़े में जाके आप इसका प्रिंट आउट निकलवाइए और फिलअप करिए इसको, और फिर आप अपने असाइनमेंट में अटैच कर सकते हैं। तो सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर कोड और स्टडी सेंटर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये चीज़ें आपको फिलअप करनी है। साइड में आपको साइन करना है और डेट ऑफ सबमिशन, जब आप अपना असाइनमेंट जमा कर रहे हैं तो वो आपको फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर साफ साफ स्पेशल नोट्स इन्होंने दिया है, अलग अलग कोर्सेज के असाइनमेंट अलग अलग बार गूगल फॉर्म भर के जमा करने हैं, तो एक ही बार में आप ज़्यादा असाइनमेंट जमा मत करिए। तो यहाँ से नेक्स्ट करते हैं और ये आ गया हमारा अपनी डिटेल्स फिलअप करने वाला पेज। तो इसमें आपको शुरुआत में अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है, 10 अंकों का जो मोबाइल नंबर रहेगा वो आपको फिलअप करना है, इसमें 0 या प्लस 91 आपको अफिक्स नहीं करना है। उसके बाद आपका नाम यहाँ पर एंटर करना है बड़े अक्षरों में और फिर अपना इनरोलमेंट नंबर जो कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, और फिर अपना जो स्टडी सेंटर है, जो आपके फॉर्म या आपके आईडी कार्ड के ऊपर स्टडी सेंटर लिखा हुआ है उसका कोड है वो आपको चूज कर लेना है। और आगे बढ़ने से पहले इस पूरी डिटेल जो आपने फिलअप की है उसे आप अच्छे से चेक कर लीजिए, तभी आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। इग्नो सोल्ड असाइनमेंट और हैंड रिटन स्कैन पीडीएफ या फिर इग्नो के जो गैस पेपर हैं उनकी पीडीएफ फाइल्स भी आप हमारे से परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, तो उस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ फाइल्स परचेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सभी कोर्सेज का नाम है, आप अपना जो डिग्री है उसको सिलेक्ट करेंगे, बैचलर डिग्री है तो बैचलर्स पे क्लिक करना है, मास्टर डिग्री है तो मास्टर्स पे। उसके बाद अपनी क्लास सिलेक्ट करके और अपना जो असाइनमेंट आप सबमिट कर रहे हैं, ध्यान रखिए आप एक कोड को दो बार सबमिट मत करिए। आपको जैसे अब BANS 183 की पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है तो यहाँ पर आप ऊपर कोड सिलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आपको ये फाइल जो है अपलोड कैसे करनी है। तो गूगल ड्राइव से आप इसको अपलोड नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट अपने पीसी से सिलेक्ट करेंगे, या अगर आप मोबाइल से अपलोड कर रहे हैं तो मोबाइल से आप गैलरी से उठाएंगे अपनी फाइल्स, या फिर आपकी जो स्टोरेज है उससे आप अपनी फाइल उठाएंगे। यहाँ पर ऐड फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, तो लिमिट जो रहेगी पीडीएफ फाइल की वो 10 MB की रहेगी, 10 MB से कम आपकी जो पीडीएफ फाइल बनी हुई होनी चाहिए तभी आप इसमें अपलोड कर पाएंगे। तो फाइल का नाम जो है पहले ही आपको बता दिया है, इनरोलमेंट नंबर के साथ आप अंडरस्कोर डालकर अपना जो सब्जेक्ट कोड है वो फिलअप कर देंगे, जैसे कि इनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर BANS 183 इस फाइल का नाम रहेगा। और उसके बाद आप ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपलोड के ऊपर आपको क्लिक करना है, माई ड्राइव या फिर प्रीवियसली सिलेक्टेड, इनमें से आपको चूज नहीं करने हैं, आपको अपलोड पीडीएफ फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पर सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे और जैसे कि हमारे पास ये सारे स्कैन किए हुए असाइनमेंट्स की पीडीएफ फाइल अवेलेबल है, लेटेस्ट सेशंस की जो कि अब जमा हो रहे हैं और आने वाले सेशंस की भी हम तैयार करते हैं, और साथ ही सोल्ड असाइनमेंट जिनको लेने हैं अपने असाइनमेंट तैयार करने के लिए वो भी हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्वालिटी देख सकते हैं स्कैन की हुई पीडीएफ की, ये पूरी पीडीएफ फाइल हमने बना ली है, आपको क्वेश्चन पेपर भी अटैच करके देते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपना आईडी कार्ड और फ्रंट पेज फिलअप करके अटैच करना होता है और अपनी जो फाइल है वो ऑनलाइन सबमिट कर देनी है।
तो सिलेक्ट करेंगे और अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आ गया अपलोडिंग, तो जैसे ही आपकी जो पीडीएफ फाइल है वो अपलोड होगी तो यहाँ पर आपको शो कर देगा उसका नाम। इसके बाद अगर आपको कोई भी परेशानी या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है ये फाइल अपलोड करने में या इस साइट पे और कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो यहाँ पर या तो आप अपने फाइल का साइज़ चेक करेंगे या फिर आप अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, साइज़ भी कम है, तो आप इस ईमेल आईडी जो कि नीचे दी गई है उस पर आप ईमेल कर देंगे अपना स्क्रीनशॉट लेके जो भी आपको इशू आ रहा है। तो ये यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिया गया, आपको ऊपर वाली सारी डिटेल्स चेक करनी है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा एक असाइनमेंट सबमिट हो चुका है। ध्यान रखिए आपको एक बार में एक ही असाइनमेंट और ध्यानपूर्वक अपना सही कोड और सही फाइल चूज़ करके सबमिट करना है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपका जो असाइनमेंट है वो सबमिट हो चुका है, अलग से कोई आपको स्लिप नहीं दी जाएगी, सिर्फ एक ईमेल आईडी पे आपका एक लिंक आएगा, अभी ये आपका असाइनमेंट सबमिट हो चुका है। तो आप अपने ईमेल आईडी पर आएंगे, यहाँ पर मैं करता हूँ रिफ्रेश, ये देखो गूगल फॉर्म्स सर्विसेज इग्नो की तरफ से एक ईमेल आया है जिसमें दिया गया है कि आपका एक असाइनमेंट सबमिट हो चुका है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे हमारा जो असाइनमेंट हमने जमा किया है, ये हमारा फ्रंट पेज, और उसके बाद ये हमारी पर्सनल डिटेल्स, और फिर हमारी जो कोर्स का नाम है, अपना असाइनमेंट कोड, और उसके बाद ये पीडीएफ फाइल अपलोड की गई। तो इस तरह से हमें कन्फर्म हो जाएगा कि ये हमारा असाइनमेंट सबमिट हो चुका है और हम नेक्स्ट असाइनमेंट जमा करेंगे। अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर देते हैं तो आपको हार्ड कॉपी नहीं करनी, और अगर आप हार्ड कॉपी करते हैं तो आपको ऑनलाइन नहीं करना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पीडीएफ फाइल्स के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए अपने सब्जेक्ट कोड विद मीडियम। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद दोस्तों।